आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं और रूम हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं हर की पौड़ी नहाने के लिए, ठीक है। और ये रे भाई सब लोग ये जा रहे हैं, तीन चार लोग अभी आ गए हैं। और ये रहा हर्षित और ये रहा बॉबी। भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम और इसीलिए हम जा रहे हैं यार, जाके हम सबसे पहले यार है ना थकान मिटाएंगे, हम पहले नहाएंगे और शाम में है ना आरती के टाइम जाएंगे हम। शेर चीता ही कह दे भाई। भाई ये रहा भाई मार्केट, ठीक है। और भाई हमने लिया था रूम इधर और रूम भाई हमें बहुत ही सस्ता मिला है। रूम जो हमने लिया ना 1000 रुपये कह रहा था और हमने लिया है 900 रुपये में, ठीक है। और हमने है ना ये धर्मशाला बुक किया था इसीलिए हमें सस्ता पड़ा है। कहीं रूम या होटल कुछ लेते तो हमें महंगा पड़ता क्योंकि भाई सीज़न का टाइम है इसीलिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, जब हम आ रहे थे ना तभी देखा था बहुत ज़्यादा भीड़ था। और ये रहा भाई धर्मशाला है ना, आपको हर जगह मिल जाएगा। तो धर्मशाला में भाई बात कर लेना, आपको 600, 700, 900, 1000 ऐसे मिल जाएंगे। क्योंकि यार हम 7 लोग थे ना इसीलिए भाई हमें 1000 रुपये बोला था तो हमें 900 रुपये में दिया है। बाकी यार जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ से और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। तो भाई बस वीडियो में ऐसे ही बने रहो और फर्स्ट ब्लॉग आपने देख लिया होगा हरिद्वार का, दिल्ली से हरिद्वार का। नहीं देखा है तो भाई जाके वो भी देख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, हम कैसे कैसे आए हैं और कितना घंटा लगा है वो आपको पता चल जाएगा। तो अब यार जल्दी जल्दी हम चलते हैं, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ है ना नहाने के लिए। भाई काफ़ी जगह जैसे काफ़ी लोग आप देख रहे होंगे यहाँ आसपास उधर नहा रहे हैं और पीछे की साइड इधर भी नहा रहे हैं। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि आप इस साइड नहा के ना आप हर की पौड़ी के साइड जाओ, मेन वहीं पे है, आरती भी वहीं पे होता है। तो आप वहाँ पे जाओ, आपको पानी भी साफ मिलेगा और तेज़ भाप भी पानी का मिलेगा और ठंडा बिल्कुल पानी रहता है भाई, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे आप। और धूप भी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो हमारे दो साथ के थे रवि भाई वो उस वाले रास्ते से चले गए और हम इधर से आ गए। और वो रहा भाई क्लॉक टावर, सामने आपको दिख ही रहा होगा। हम जल्दी जल्दी जाते हैं, बस जल्दी जल्दी चलते हैं। ये आपको देख रहे हो और बाकी आप उधर देख रहे हो, इस साइड भी है भाई नहाने के लिए। और आगे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, वहाँ पे भाई देख रहे हो कितनी भीड़ है उस साइड है नहाने के लिए। और उसके एक पीछे की साइड है ना उधर भी है नहाने के लिए। हर जगह आप यहीं कहीं पे भी नहा सकते हो, पर आप वहाँ जाओगे जहाँ मैंने अभी बताया हर की पौड़ी, आप वहाँ पे जाके नहाओगे भाई अलग ही अच्छा लगेगा आपको। आपको इधर थोड़ा गंदे पानी भी मिलेंगे, ये देख रहे होगे आप कैसा है इसीलिए। तो हम भी अब उधर ही जा रहे हैं। ये देखो यार धूप कितनी तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार। पानी साफ आ रहा है? हाँ उधर पानी साफ है। अरे मैं बता, अरे उस साइड, उस साइड, उस साइड वाले में ना घाट है, वहाँ पे घाट है, वहाँ पे पानी साफ आ रहा है, बहुत साफ पानी जैसे घर की बोर्ड। पर जहाँ अभी हम जा रहे हैं ना हम जाएंगे उस साइड, हाँ ब्रिज पार करके उस साइड जाएंगे, वहाँ पे ना ना चलती नहर है, वहाँ पे इधर यहीं नहाएंगे। अरे मेन तो यहीं है, कहीं और नहीं जा रहे, चलती नहर में नहाएंगे ना। पर हम ये आपको सब कुछ दिख रहा हो नहीं, घाट है भाई, ठीक है। और यहाँ पे भाई भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है शाम के टाइम यार, है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम आरती के टाइम हम शाम में आएंगे तो भाई आप सभी को हम दिखाएंगे, ठीक है। बस अब जल्दी जल्दी चलते हैं और पहुँच के आप सभी को दिखाते हैं वहाँ पे। मैं हरिद्वार आ गया, पता है, अच्छी बात है। मम्मी ने कहा था चल लेके आइयो, नहीं लेके आया तो मारूंगी बहुत। ये देखो पब्लिक यार हंस रही है यार। मम्मी मैं हरिद्वार आ गया, बहुत अच्छी बात है। मम्मी ने कहा था चल लेके आइयो वरना मारूंगी बहुत। भाई ये तो बनता है, ये शॉट तो लूंगा मैं। बस चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं यार। आपको ये दिख रहा होगा भाव, देखो अभी आपको ये नॉर्मल दिख रहा होगा ना, ये देखो बिल्कुल ही कम है। और उस साइड देखो यार कितनी तेज भाव के साथ जा रही है आपको, है ना। अभी आगे जा रहा है ना, अभी आपको आगे दिख जाएगा भाई कितनी तेज भाव होती है यहाँ पे। और
रे भाई शंकर भगवान, कमेंट में भाई बोल हर हर महादेव बोल दो। तो जल्दी जल्दी चलते, देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। चलो चलते हैं आगे भाई। यही है हर की पौड़ी और आप देख रहे हो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो ये, देख रहे हो। और यहाँ से है ना बंदा, यहाँ से सीधे कूदते हैं और ये जो आपको यहाँ दिख रही होगी सिक्कट दिख रही है ना लोहे की, इनको भाई पकड़ के ना ये उधर से कोने में जाते हैं। और भाव देखो कैसे तेज आ रही है। और यहीं से बंदे भाई कूद कूद के भाई नहाने के लिए जाते हैं। और देख रहे हो यार कितनी ज़्यादा भीड़ है यार सुबह के टाइम, अभी सोच रहे हो इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। और ब्रिज देखो यार कैसे फुल हुई पड़ी है। शाम के टाइम तो यार और ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा भाई शाम के टाइम और ज़्यादा होती है। तो यार बस अब जल्दी जल्दी चलते हैं, हम उस साइड नहाएंगे क्योंकि इधर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। उस साइड नहाएंगे, उस साइड खाली भी रहता है, बढ़िया भी रहता है, उधर साफ पानी भी आता है। इधर देख रहे हो कैसे काले काले से वो आ रहे हैं, धूप बत्ती सब आ रहे हैं, उस साइड कुछ भी नहीं आता, इसीलिए हम उस साइड जा रहे हैं। तो कैसा लगा जय भाई, कैसा लगा? जांच पड़ताल हो रही है अभी। और भाई है ना यहाँ पे भाई अपने पर्स वर्स सब कुछ बचा के रखना, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना चोरी वोरी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए। यार कितनी ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पे। और भाई वहाँ से भाई सीधे डुबकी मार रहे हैं, और वो जो आपको देख रहे हो वो दिखा रहे हैं, ये देख रहे हो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। उधर तो और ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए भाई हम इस साइड ना आएंगे कि भाई इधर चलो थोड़ा बहुत जगह है। और भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। जय गंगे माँ की। बस जल्दी से हम भी अब नहाने के लिए चलते हैं। और दो बंदे यार खो गए हमारे यार, वो मिल नहीं रहे, हम काफ़ी तब से देख रहे हैं, देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यार। सैटरडे संडे आओगे तो भाई ऐसी क्राउड आपको मिलेगा। घंटा घर भाई ये रहा सामने, और जो सामने जो भाई आरती होगा वो होगा भाई अपना सामने, ये जो आपको ये आपको दिख रहा है ना यहीं पर भाई सामने आरती होता है। चलो यार जल्दी से ना डुबकी मारते हैं ठंडे ठंडे पानी में, तो चले गए डुबकी मारने के लिए। और भाई मैं जा रहा हूँ भाई, फोटो दिखा रहा, फोटो भाई फोटो। ये लो भाई, जीतू भाई भी गए दिखाना भाई। अरे दिखाना है भाई, जय भाई और मैं रह रहे हैं अभी। अब देखो यार ये देखने लायक है ना, वैसे ये बंदा देखने लायक है, चश्मा है मेरा उसके। अभी गाइस हम नहा के अब निकल चुके हैं, और सच्ची आके देख लिया बहुत ज़्यादा नहा ले चुके और बहुत ज़्यादा थके थे, और थकान हमारी पूरी मिट चुकी है। और ये भी फिर से जा रहे हैं भाई, इसको तो ठंड लग रही है भाई बहुत ज़्यादा कसम से। और भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी है, देख रहे हो कितना तेज यार भाव, देख रहे हो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है यार। और पूरी भाई लाल हो गई यार। बस अब यार जल्दी से चलते हैं भाई, कपड़े वपड़े चेंज करके ठीक है भाई, कुछ खाते हैं। मैं आपको है ना एक जगह लेके चलता हूँ भाई, जहाँ जलेबी और दूध भाई बहुत ही अच्छा मिलता है। लास्ट टाइम भी हमने थे भाई उन खाने के लिए गए थे भाई, इस टाइम मैं आप सभी को मैं बताऊँगा दुकान में बता दूँगा भाई, बहुत ही अच्छा बनाते हैं ठीक है। तो भाई आपके पास टाइम हो या फिर मन करे तो आप वहाँ जाके भाई खा सकते हो, बहुत ही अच्छा बनाते हैं ठीक है। और भाई भीड़ देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है यार, देखो। चलो यार अब जल्दी से कपड़े पहन के चलते हैं। तो गाइस अभी कुछ ऐसा व्यू है दोपहर के टाइम में, अभी भी यार देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक है, अभी आपको दिख रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। शाम के टाइम यार जब आरती होगी ना तब देखना कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। और आरती जो होता है ना आपका आरती यहाँ से लेके वहाँ तक भाई पूरा आरती ही होता है, यहाँ से लाइन से। और आपका ये रहा मंदिर, और भाई देख रहे हो कैसे भाई नहा रहे हैं। और हम जो भाई दूध और जलेबी खाने के लिए जा रहे हैं वो भाई आगे सामने ही है ठीक है, हम वहीं पे जा रहे हैं ठीक है। और चलो यार जल्दी से चलते आप सभी को दिखाते हैं, आप सब भी भाई आओगे तो भाई वहाँ ज़रूर जाना खाने के लिए, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। चलो अब जल्दी से चलते हैं। आवश्यक
श्रद्धालुओं से परेशानी होती है, घर में अक्सर बोझ कपड़े होना करते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं यार, श्रद्धालु घर में पहुंचते समय फंस गया। तो गाइज हम दूध और जलेबी खाने के लिए गए थे उस दुकान पे, अभी था नहीं और वो बेच भी नहीं रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया। और अब हम जा रहे हैं भाई रूम पे, और ये देखो भाई यहाँ से देख रहे हो व्यू, देखो यार यहाँ से सीधे जा रहे हैं भाई धर्मशाला, देखते हैं वहाँ से भाई क्या प्लान बनता है। बाकी तो पहले जल्दी से रूम पे चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, कसम से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वो तो सही है भाई, मैंने चप्पल पहन लिया बॉबी भाई का, बहुत ज़्यादा फोन जल रहा था। हाँ यार वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताना, और हर हर महादेव यार ज़रूर लिखना कमेंट में, ठीक है। और कोई लोग भी यार यहाँ जो भी आओगे ना, तो सैटरडे संडे मत आना, और मंडे से लेके भाई आप फ्राइडे कभी भी आ जाओ, आपको भाई ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी, और होटल्स भी जितने भी है ना आपको सस्ते मिल जाएंगे। जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ आपको सस्ते सस्ते होटल मिल जाएंगे 1000-1200 रुपये में, अदरवाइज़ जो है ना आपको भाई 3000-2500-2000 ऐसे ऐसे मिलेंगे। इसीलिए भाई धर्मशाला लोगे तो आपको वही 1200-1300 रुपये तक का आएगा ना भाई, सही कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ कि मंडे से लेकर फ्राइडे में आएंगे तो सस्ता सब कुछ मिल जाएगा भाई, है ना, भीड़ भी ज़्यादा नहीं रहेगी। मंडे से फ्राइडे आएंगे ना तो वीकेंड नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो भीड़ कम होगी। सैटरडे संडे वीकेंड होता है तो भीड़ होती है, क्राउड होता है, तो आपको नहाने को भी ठीक से नहीं मिलेगा, ऊपर से प्लस बहुत ज़्यादा क्राउड था। बस अब जल्दी से चलते हैं रूम पे, देख रहे हो भीड़ देखो यार कैसा आ रहे हैं, सब जल्दी जल्दी चलते हैं। और आप सभी को भाई मैं रूम पहले दिखाऊंगा कैसा रूम है, ठीक है। हम आ चुके हैं भाई रूम पे, और ये रवि भाई मैगी खा रहे हैं, और ये रवि भाई फ़ोन चला रहे हैं, सब लोग भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सो रहे हैं, देख रहे हो भाई। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, और भाई अब थोड़ी सी मैगी बची है और वो भाई अब खाएँगे, कोई मैगी में हल्दी इतना डाला कि पूछो मत, वो भी खर्चा ना रिफंड के भाई पैसे खर्च करने वाली बात है और कुछ नहीं। और वो दो भाई उधर सो रहे हैं, और भाई रूम ये देखो 900 रुपये का है, और क्या ही लेंगे यार हम इतने लोग हैं, बस सही है सस्ता मिल गया अच्छा है। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय।